जिस तरह लॉकडाउन बढ़ने के साथ साथ अपनी तिजोरी खोलकर दिल से जरूरतमंद लोगों की बिना रुके दिन रात सेवा दान करते रहे, ठीक उसी तरह इस शीतकाल में लगातार अपनी सेवा का कार्य जारी रखा है भाटपाड़ा के सक्रिय समाज सेवी गोपाल राउत ने। जो किसी के गम को बांटे बस वही इंसान है, बेसहारों का सहारा जो यहाँ बन जाता है, सच्चे मानों में मसीहा बस वही कहलाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म के उपलक्ष में भाटपाड़ा युवा तृणमूल कांग्रेस के मंच से हजारों जरूरतमंद लोगों में कंबल वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ और इसके भी आयोजक थे गोपाल राउत। देखिए इस विषय में हमारा ये खास जानना चाहेंगे आज के इस आयोजन के बारे में। भाटपाड़ा के एक जाने माने युवा का मिच ऐसे युवाओं को साथ मिलते चले, युवा उनके साथ हैं, हम उनको कैसा जगह मिले इससे और भी हर वार्ड में हर जगह पहुंच जाते हैं, इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है। अभी 2000 कंबल वितरण हुआ, महिलाओं बुजुर्ग कोई भी एक आदमी मतलब और भी एक्स्ट्रा बनाया गया था। कोई भी बात नहीं, मैं लॉकडाउन में भी हर घर में अनाज पहुँचाना, हर वार्ड में मतलब कोई ऐसा जगह नहीं था, गरीब हो चाहे गुजमंद हो उनके पास पहुँच के वहाँ झंडी झोपड़ी है वहाँ पर भी आप चले जाएंगे। हर क्षेत्र में इनका सामान वहाँ पर था, जहाँ पब्लिक को जरूरत थी वहाँ पर दुकान डाल के एक पैर में वहाँ पर खड़ा होकर वहाँ पर हर सुविधा पहुँचाएंगे। लगातार आप देख रहे हैं गोपाल राउत, जैसे कि माना जाता है आज देखा भी गया है कि लंबे समय से क्या बोलेंगे इस तरह आज बहुत बढ़िया दिन है जो है आज भगवान जी का जन्म दिन आप जो लाग रहे हैं आज युवा समाज के मार्गदर्शक स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती पर काफी उत्साह से पालन कर रहे थे। भाटपाड़ा में नायाब तरीके से मनाया गया स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस। जिस तरीके से लॉकडाउन के दरमियान जिस वक्त पूरा दुनिया पूरा विश्व सबसे बड़ी इस महामारी से लड़ाई कर रहा था, उस समय पे ही जरूरतमंद लोगों के पास सीधे उनके घर तक अगर कोई पहुंचा था तो वो थे भाटपाड़ा के गोपाल राउत। लेकिन वो सिलसिला वहीं थमा नहीं जब 2020 में इस कोरोना का उत्पत्ति हुआ था और 2021 में आज जब वैक्सीन के द्वारा इस कोरोना को भगाने की तैयारी जारी है, वैसे समय में भी कोई अगर अपने पथ पे अड़ी है तो वो है गोपाल राउत। इस कांपते जाड़े में असहाय लोगों के साथ भी खड़े हुए हैं गोपाल राउत। आज कई एक हजार लोगों में अपनी सेवा को फिर से एक बार पहुंचाए हैं, हमारे बीच फिर एक बार मौजूद हैं। पहले 24 घंटा लाइव को धन्यवाद देते हुए आइए बात करते हैं गोपाल राउत से। सर बहुत स्वागत आपका 24 घंटा लाइव में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर एक बार आपने साबित कर दिया कि लोगों के साथ खड़े होने का जो जज्बा है आप में वो वास्तव में जनहितकारी है, लेकिन कैसे आपने तैयारी की इसका? देखिए
आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन था, वो महापुरुष थे, उनका उनको आज दर्शन मानते हैं। हिंदू धर्म को प्रचार में बहुत बड़ा उनका भूमिका था। जो हिंदू धर्म को प्रचार करने के बाद किसी धर्म का विरोध भी नहीं किए। आज भी हम लोग हिंदू हैं, अपना धर्म को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम दूसरे धर्म का विरोध नहीं। तो ये देखा जाए तो आज उनका जन्मदिन था और उनका मार्गदर्शन के हिसाब से आज उनको हम लोग पूजा कर कर माला प्रदान करके आज हम लोग कमर वितरण किए। लोगों को जिनको जरूरत है को हम लोग कमर दिए। 11 नंबर और 9 नंबर वार्ड, कुछ 8 नंबर वार्ड और 14 नंबर वार्ड, कुछ 13 नंबर वार्ड में मिला उला के हम लोग 2000 कमर का टारगेट किए थे। लेकिन जो पोजीशन आ गया कि 6 नंबर 7 नंबर का जो कमर रखे थे देने के लिए वो भी यहाँ पर देना पड़ा, 3000 कमर यहाँ बटा गया। अब जिनको हम लोग कूपन दिए थे वो, जिनको कूपन नहीं दिए थे वो भी, समय लोगों की जरूरत है ये देखते हुए बिना कूपन वाला को भी बटा है, उस हिसाब से 3000 से प्लस कमर वितरण हो गया। कुछ लोग बाकी हो गए रह गए तो उनको काल बुलाए हैं। हर समूह चाहते हैं कि लोग की जरूरत को हम लोग पूरा करें। तो ये बहुत असहाय लोग हैं, ठंड है उस समय वो अपने बच्चे को लेकर जो पोजीशन में रहते हैं, अगर मेरा कम्बल देने से उनको कुछ सहयोग हो जाता है तो हम बहुत खुशी महसूस करते हैं कि हम इस लायक हैं कि लोगों की सेवा कर सकते हैं। ये जो सिलसिला है, ये जो आप जन सेवा कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कब से? हम बहुत नीचे से हम ऊपर आए हैं। आज जो परिस्थिति में हम थे उस परिस्थिति में समस्या को हम देखे हैं। जूट मिल इलाका है, यहाँ हफ्ता होने के पहले हिसाब हो जाता है कि किसको पैसा देना होता है। हफ्ता लेकर हम कर्जगार को दे देंगे, राशन वाला के दे देंगे, इसीलिए टाँगा टानी हो जाता है। तो हम लोग का इलाका इसी बहुत गरीब तबका के लोग रहते हैं, हम लोग भी इसी लोगों में से उठ कर आए हैं। हम आज कुछ काम धंधा करने लगे थे करते, कुछ लोग देखिए हम भी कोई पैसा वाला आदमी नहीं है, लेकिन ये लोग का दर्द महसूस होता है। महसूस होने का मेन कारण है कि इन्हीं लोगों में से हम एक हैं, तो हम इन लोगों में से गुजारे हैं। तो हमको जब से ये शक्ति हुआ है 90 के दशक से 90-88 से हम लोगों को पास में खड़ा रहते थे, पहले कम करते थे। जैसे जैसे हमारे स्थिति ठीक होते गई, जैसे जैसे आज बढ़ते गया, पहले 200 देते थे कमर, 300 कमर देते थे, आज हजारों की संख्या में देते हैं। आज यहाँ जो बताया 3000 बताया, परसों रोज 510 नंबर वार्ड में बताया, कल आपको 5 नंबर 8 नंबर वार्ड में बताया, उसको पहले आपको 1 नंबर 2 नंबर वार्ड में बांटेंगे, 6 नंबर 7 नंबर का कमर था यहाँ बटा गया, 6 नंबर 7 नंबर में बांटेंगे। तो ये पूरा भाटपड़ा विधानसभा में सिलसिला चलेगा। ये मत पूछिए जी हम कब से बांट रहे हैं, हम जब से होश संभाल रहे हैं जब से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। हमको माने बहुत खुशी महसूस होता है। तो हमने पूरे विषय में बात करने की कोशिश की भाटपड़ा के लोगों के लिए लगातार की जा रहे सेवा के साथ प्रसंग के साथ। मैं राजीव गुप्ता, आप देख रहे 24 घंटा लाइव, देखते रहिए, बने रहिए। নৈহাটির গৌরীপুর চৌমাথা আলোকিত করছে সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় সম্ভারের সেরা প্রতিষ্ঠান কেশরী লাইট হাউস। ঘোষপাড়া রোডের উপর অবস্থিত এই কেশরী লাইট হাউসে আপনি একদম সুলভ মূল্যে পেয়ে যাবেন সমস্ত রকম ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন ও অ্যাসেসরিজ, হোম এবং কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস যেমন ইলেকট্রনিক রাইস কুকার, জগ, আয়রন, ওয়াটার পিউরিফাই, জুসার, মিক্সার, গ্যাস ওভেন, চিমনি, বিভিন্ন কোম্পানির এলইডি টিভি, এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিনের সেরা সম্ভার এক ছাদের নিচে। এখানে কেনাকাটা করলে থাকছে অরিজিনাল প্রোডাক্টের গ্যারান্টি, উচিত মূল্য, ডিসকাউন্ট ও অফার, সমস্ত রকম কিস্তির সুবিধে, সর্বোপরি শোরুমে এবং বাড়িতেও গিয়ে সার্ভিসিং এর সুবিধে। একটা ঘরে যা যা জিনিস লাগে সব জিনিসটা এখানে পাবেন। এখানে হোম অ্যাপ্লায়েন্সের মধ্যে সার্ভিস প্রোভাইড করা হয়, অনেক প্রয়োজন পড়ে তো মানুষকে আমি হোম সার্ভিস আমরা ফ্রিতে করে দিই।